फ्रेंड वेलकम बैक। मैं हूं आपको अपना राजभर। आज आपके सामने ढेर सारी बाइक्स आई हुई हैं। इधर देख सकते हैं, ये अपनी 200 अपाची जो कि आप देख सकते हैं। इधर आपकी आई हुई R15, इसमें मॉडिफिकेशन काम में भी चालू है। और इधर एक और R15, इसमें भी मॉडिफिकेशन काम चालू है। उधर एक और R15, इसकी वीडियो सबकी वीडियो मिलेंगे आपको अलग अलग। इधर आपको मिलती है रोनिन, इसमें फुल सिस्टम लगा दिया गया है और साथ में और भी काम चल रहा है इसके अंदर। इधर आपको देखने मिलेगी अपाची जो कि इसके अंदर भी काम अभी चल रहा है सारा। और उसके अंदर आइए, अंदर जो मेन वीडियो दिखाऊंगा ना आपको, वो दिखाऊंगा आपको मैं इसकी, जो कि है अपनी हिमालयन 450, जो कि न्यू मॉडल जो आपने मेरे पास देखी। कलर वैसे वाइट और ब्लैक की मैं ज़्यादातर बना चुका हूँ, बट ये डिफरेंट ग्रे कलर। अब दिखाते हैं बाइक जो कि आप देख सकते हैं, बाइक का काम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है और डन हो चुका है कुछ कुछ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर आपका वाइजर जो पहले लगा हुआ है, मोबाइल होल्डर या आपके हैंड गार्ड वगैरह, इधर क्रैश गार्ड एक्टिविटी चालू है इसकी। इधर वाइजर एक्सटेंडर लगना है, हॉर्न लगना है इसके अंदर, फॉग लैंप एक्सटेंडेशन लगने हैं और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन इसके अंदर लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, एक हिमालयन वो थी और दूसरी हिमालयन ये है। इसके अंदर भी काम अपना रेडी हो चुका है, रेडी मतलब स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हुआ है और क्या क्या होना है, आपको चेकआउट कराते हैं। फिलहाल देख सकते हैं इसके अंदर लग चुके हैं फॉग लैंप जो कि मिलते हैं आपको वाई वाले विद हार्नेस। ये देखिए, ये होती है हार्नेस, हार्नेस का बटन होता है आपके वाला। और वायरिंग देख सकते हैं, कहीं भी कोई जज नहीं कर सकता है कि चालू फिटिंग हम क्यों करते नहीं है। चालू के लिए मार्केट बैठी हुई है, कहीं भी आप फिट करा सकते हो इजीली, जहाँ भी आप कराना का सुटेबल हो वहाँ पर। और देख सकते हैं दोनों तरफ इधर वायरिंग हो रही थी, इधर वायरिंग काम चल रहा है अभी। आपका हैंड गार्ड इसमें लग चुके हैं और अभी धीरे धीरे इसके अंदर स्टार्ट हो चुका है वर्क। क्रैश गार्ड इसका ऑलमोस्ट लग चुका है और देखते हैं इसका टॉप बॉक्स भी लग चुका है। और इसकी फुल वीडियो भी आपको इसी में मिलने वाली है राजू भाई SKD पर। अभी आपको उसको भी दिखाता है, एक बार पहले मिलवाता हूँ भाई। डिस्काउंट भी देने वाले बहुत अच्छा वाला है, ये डिस्काउंट लेने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ध्यान रखना। आपको भी इनके ऐसा डिस्काउंट लेना है तो सीधा ना आपको कहाँ पर, राजू भाई की शॉप, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये इसका जो टैंक उतार रखा था, ऑलमोस्ट की वायरिंग डन हो चुकी है। कोई देख के जज नहीं करेगा कि कहाँ पर क्या फिट हुआ है क्या नहीं हुआ है, सेम आपका एज इट इज़ फिटिंग है। ये यहाँ पे फिटमेंट उसकी जारी है टैंक की, देखिए पूरी तरीके से फॉग लैंप रेडी, हैंड गार्ड रेडी, टॉप बॉक्स रेडी। और अब इसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है, वो भी जो होगा फाइनल में पता लग ही जाएगा आपको क्या हुआ है इसके अंदर। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था इसके अंदर के मॉडिफिकेशन क्या क्या होने वाली है, तो ऑलमोस्ट के अंदर जो हुई है वो नीडफुल मॉडिफिकेशन है। जो सर को पसंद थी वो सर ने करवाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसके हैंड गार्ड जो लगा दिए गए, इससे आपके हैंड होते हैं पूरी सेफ और साथ में लीवर भी होते हैं पूरी तरह सेफ। और इससे लुक भी काफ़ी आप बल्कि हो जाते हैं क्योंकि ये हैंड गार्ड है फुल्ली सेफ्टी वाले, देख सकते हो, और ना ही टूटेंगे ना ही ख़राब होंगे, ये लगा देंगे इसके अंदर। और इसके बाद इसमें देखने को मिलेगी आपको, देख सकते हैं ये इसका फुल बॉडी क्रैश गार्ड जो कि लगा दिया गया इसके अंदर। फुल बॉडी क्रैश गार्ड मतलब फुल बॉडी, इससे आपका टैंक आपके लेग्स ये होते हैं पूरी तरह प्रोटेक्ट। जो स्लाइडर होता है ना, ये स्लाइडर, दो स्लाइडर लगा दिए जाते हैं, एक साइड तरफ में और दो एक तरफ। इन दोनों जब भी गाड़ी गिरती है तो ये पूरे के पूरा जितना भी इसका वेट है वो अपने आप पर संभाल लेती है और ना ही आपकी गाड़ी पर कोई स्क्रैच आएगा, ना ही आपके खुद के लेग्स पर कोई स्क्रैच आएगा। इस पर स्क्रैच आएगा सिर्फ, और किस पर स्क्रैच नहीं आएगा। सेम इधर देखने मिलेगा एंड सेम मिलेगा आपको देखने को इस तरफ, देख सकते हैं ये भी आपको देखने मिलेगा सेम, दोनों तरफ सेम सेम होगा आपका। और ये इसका जर्मन फिटिंग वाला साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, देख सकते हैं। ये इसके वाई वाले फॉग लैंप जो कि है आपका हार्नेस के साथ, ये आपका विद हार्नेस जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। रोशनी में आपको इसके चेकआउट कराया था किस तरीके से, फिटमेंट में दिखाई दी किस तरीके करते हैं हम लोग। ये वो चाबी ऑन, ये देखिए, ये आपका हो गया येलो, ये हो गया वाइट, ये आपका हो गया येलो वाइट, और ये हो गया आपका येलो, ये हो गया आपका वाइट। और इसके साथ में आपको मिलते हैं, देख सकते हैं ये ब्लिंकिंग, और ब्लिंकिंग के जो पैटर्न है हर किसी के साथ मिलते हैं, लाइक आपका येलो वाइट हो या खाली येलो, सबके अंदर पैटर्न मिलते हैं। 4 to 5 पैटर्न इसके अंदर कम से कम आपको मिल जाते हैं इसके अंदर वाई वाले फॉग लैंप। और इसके फिटमेंट का तरीका समझाते हैं, देखिए ये आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से क्लैंप्स है जिससे आपके प्रॉपर फिटमेंट होती है। हम कोई जुगाड़ को अल्ट्रेशन को सुराख नहीं करते हैं, हम करते हैं प्रॉपर फिटिंग वाला काम। जैसे वायरिंग देख सकते हो आप, इसकी जो वायरिंग है ना, देखिए ये पूरी की पूरी इजीली इंस्टॉल की है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इधर जा रही है उधर जा रही है, ऐसा काम हम लोग नहीं करते हैं। मैं हर बार हर वीडियो में हर किसी को बताता हूँ आपको, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं पे भी देख लें पूरा प्रॉपर आपको काम मिलेगा, सेम जो मैं बताता हूँ सेम वही। और इधर आपको देखने मिलेगा, देख सकते हैं ये इसका टॉप बॉक्स जो कि इसमें इंस्टॉल कर देगा। और ये इसकी मिलती है आपको लाइफ टाइम गारंटी, लाइफ टाइम गारंटी मतलब लाइफ टाइम गारंटी, जब भी इसके कोई भी स्क्रूज़ वगैरह किसी चीज़ में कोई भी दिक्कत आती है सीधा मेरे पास आइए, इसके मैं ये सारी चीज़ चेंज करा दूँगा, क्योंकि ये हमारे खुद के हैं, हमने मार्केट से बाय नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इसकी देते हैं फुल गारंटी
जो कि लाइफ टाइम गारंटी है, जो कि मैं दे रहा हूँ आपको। ये टॉप बॉक्स है, उसमें ना एक चीज और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब जैसे मैंने खोला, देखिए एक तो सबसे पहले तो ये ना फुल्ली वाटर प्रूफ है, फुल्ली वाटर प्रूफ, कहीं से कहीं तक इसके अंदर कोई पानी जाने वाला नहीं है किसी भी तरीके से। और पैडिंग देखिए इसकी, आपने नॉर्मल पैडिंग, तो इसकी पैडिंग देख लीजिए, काफ़ी हैवी इसकी पैडिंग्स है जो कहीं जाने वाली नहीं है आपकी आगे तक के लिए। साथ में इसके अंदर मिलते हैं रिफ्लेक्टर्स जो कि कुछ इस तरीके से लगते हैं, लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से लगते हैं। देखिए ये इसके, ये देखिए ये इसके रिफ्लेक्टर हैं जो कि मैंने ही लगा दिए हैं आपके। ये लीजिए, ये रिफ्लेक्टर भी इसके साथ में आते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधी सी सिंपली इजी टू फिट करा लीजिए। देखिए, और पैडिंग आपको इधर भी दिखा दी, इधर भी दिखा दी। और ये प्योर एल्युमिनियम, प्योर एल्युमिनियम का है, बहुत ही हैवी क्वालिटी का आपका टॉप बॉक्स है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। और जल्दी इसके मेरे पैनियर भी आने वाले हैं इसी ब्रांड के, जो हमारे खुद के हैं पैनियर, टॉप बॉक्स सब कुछ आपको दूंगा चीपेस्ट से चीपेस्ट प्राइस के अंदर, बहुत ही हैवी क्वालिटी। जैसे कि वेट ना, अगर वेट मैच करोगे तो अदर ब्रांड है उसके अंदर और जो हमारा है इसके अंदर, वेट का भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क आने वाला है। मैं कस्टमर से भी मिलवाता हूँ, ये तो हमारी गाड़ी होगी एक तरीके से रेडी, और भी बहुत सारे काम इसके अंदर थे, बट सर कह रहे हैं अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है तो वो नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। तो ये होगी ऑल अबाउट कंप्लीट। अब मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक से, इनको हमारा काम कैसा लगा और कहाँ से आए हैं भैया, ये भी बताएंगे। पहले तो सर आप कैसे और कहाँ से हैं, आप ही आ जाए भैया, डोंट वरी अबाउट दैट। आया तो सोनीपत से हूँ, बट आई बीन देयर, लाइक आई ऑलरेडी मेट यू बिफोर एज वेल, राइट? तो उसमें भी मैंने उसको ना पे भी काम करवाया था अपने, बट नाउ इसमें भी एक्चुअली मेजर लेवल पे करवाना था। ऑब्वियसली बाकी दुकान देखें, कंपेरेटिवली इट्स मेड सेंस टू मी, रीजनेबल था, तो सोचा कि इधर ही करवाता हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो हॉस्पिटैलिटी है, दैट इज समथिंग दैट आई लाइक, सो ऑफकोर्स वाई नॉट। एंड मोर देन दैट क्या रहता है कि एक कस्टमर जब आता है, ही हैज़ एन एक्सपेक्टेशन कि एक बारी में सारा काम करा दे, एंड सारा लाइक इट शुड नॉट टच द फैक्ट्री फिटिंग्स, तो उस हिसाब से काम होता है। सो दैट इज़ जो है कि सेटिस्फैक्शन जो लेके जाता है इंसान यहाँ से, दैट इज़ वेरी गुड हियर। सो तो देखो, ये तो हो गया फुली सेटिस्फाइड, जो कि भैया ने बताया आपको कि ये हमारे वर्क से सेटिस्फाइड, हमारी जो शॉप की हॉस्पिटैलिटी है उससे सेटिस्फाइड है। क्योंकि पता है नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल लोग वीडियो में तो लाइक चिल टाइप के लगते हैं कि बहुत ही चिल हैं, बट आने के बाद थोड़ा सा यू नो ये काम कम है तो यार आप ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, तो थोड़ा सा शाउटेड हो जाते हैं, लाउडनेस हो जाती है साउंड के अंदर, चाहे वो वर्कर्स हो चाहे वो ऑनर्स। तो यहाँ पर आपको दोनों में से क्या मिला? बेसिकली सब कुछ तो लाइक जैसे मैंने बताया, सब कुछ तो था ही बेसिकली, लेकिन सबसे मेन चीज़ था कि वन स्टॉप सोल्यूशन था, कि अगर आ गए तो ऐसे नहीं कि फॉग लैंप के लिए कहीं और दर्ज जाना पड़ रहा है, कहते हैं हैंडल गार्ड के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, टॉप बॉक्स के लिए और आया, मेरे को अपने बाइक में काम करवाना था, जो भी सारी चीज़ें मिल गई, तो दैट वॉज कन्वीनियंट पार्ट में तो सबसे बेस्ट था। एंड सारी चीज़ें अंदर आके हो रही है, ये नहीं कि गली के बाहर हो रही है, सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट इट। एंड इसी बात पे मेरे को लग रहा है ये बंदे मेरे को यहाँ पर बैकरेस्ट भी देने वाले हैं, तो देखते हैं। तो ये भैया ने मुझसे ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव गिफ्ट मांग लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, इतने दिल से मांगा ना भैया ने, तो मैं मना नहीं करूंगा, ये लीजिए। और बोलिए, ठीक है सर, तो आपको भी और ऐसी गिफ्ट्स वगैरह और ऐसी एनवायरनमेंट चाहिए आपको, तो आना कहाँ पर है आपको? आपको आना राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलते हैं दिल्ली करोड़ नावेलन के अंदर। मेरी दो शॉप है, एक मिलती है आपको 51 नगर नंबर के लिए कॉर्नर पर, दूसरी मिलती है आपको बैक साइड 36 नंबर के लिए, और फ्रंट पर देखेंगे फ्रंट मिलता है आपको आर एस समाज रोड। और जब भी आओ ना मेरी शॉप पर, तो हनुमान जी की मूर्ति देख ले, मेरी शॉप की जो बोर्ड पर लगी हुई है वो हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, वो सिर्फ मेरी शॉप पर है, क्योंकि बालाजी महाराज की का भक्तों में और उनके आशीर्वाद मेरे पास बचपन से है, जो आज तक और आगे भी रहेगा। और जब भी आप आए करोलबाग मार्केट के अंदर, एक हनुमान जी की मूर्ति देख लें आप मेन रोड पर, जो कि मिलते हैं बहुत ही बड़ी विशाल मूर्ति, और उसके जस्ट अपोजिट मेन रोड पर ही आपको जो SKD के नाम से शॉप मिलती है, उस पर मिलेगी आपको हनुमान जी की मूर्ति। और कुछ नहीं करना, आप समझ चुके हो आपको आना कहाँ पर है। वीडियो चले, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं। राजू भाई SKD को सब्सक्राइब करना, मैंने भी कर रखा है, इसने भी कर रखा है, सबने किया हुआ है। और एक चीज़ और पूछा भैया, मैं वैसे वीडियो खत्म करना पूछ लेता हूँ भैया, ना किसी के रेफरेंस ही आया हमारे पास? हाँ, बेशक के पहले करा चुके हैं, हमने भी कराया, किसी और के रेफरेंस से भी आया, तो हमारे काफी दोस्तों ने सारे इधर से आके करवाया, एवरीवन इज सैटिस्फाइड विद द वर्क दैट दे डू, क्योंकि वो भी ना कहीं से पहले फंस कर आए थे, तो इसलिए कि हमने ये भी कहीं फंसा हुआ था, हमने मारा कॉल, बुला लिया। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, जब तक जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।